वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपके अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपके अर्थ के इंटीरियर के बारे में जैसे हम पढ़े, ये चैप्टर है आपका, तो अर्थ के इंटीरियर से ही इसका अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। ठीक है, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, धरती का हिलना, धरती का हिलना इसका जो है मतलब होता है। तो नेचुरल इवेंट है, एक तो धरती आप हिला नहीं सकते, तो नेचुरली ये आपकी ओरिजिन होता है इस चीज का, या आपकी इसका जो है ओरिजिन होता है क्योंकि जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है, जो वेव्स जनरेट करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो बीच सेंटर पॉइंट में, राइट साइड में, यहाँ पर आपकी जो सेंटर पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई और वो वेव्स जनरेट कर दी उस एनर्जी ने, कोई भी एनर्जी, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, यहाँ से, तो इसको बोला जाएगा फोकस। और जो रिलीज होके जहां पर वो पहुंची, वो आपका होता है एपिक सेंटर है, जो सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। तो अर्थ शेक क्यों करती है? ठीक है, रिलीज जो एनर्जी होती है वो फोल्ट लाइन, जो फोल्ट लाइन क्या होती है, जो वीक पॉइंट होता है टेक्टोनिक प्लेट जो आपकी मूव करती है अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। तो जो रॉक्स होती है इस फोल्ट वीक पॉइंट के आसपास, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, और जिसकी वजह से जो है आपकी एनर्जी का ओरिजिन होता है, ठीक है, जो फॉल्ट जोन में मूवमेंट चलती है और जो वीक पॉइंट होता है वो टूट जाता है, और फ्रिक्शन होता है इनमें। हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की चीजें इसमें हो सकती हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देखिए आपकी फॉर्मेशन इसमें हम देख लेते हैं। देखिए कि जैसे कि अगर मान ले अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गए, ठीक है, दोनों अलग डायरेक्शन में मूव किए, तो बीच में फोल्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे जो है ये फोल्ड क्रिएट हो गया बीच में, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि दोनों इसी डायरेक्शन में जो प्लेट्स मूव करें वो एक डायरेक्शन में करें, तो एक दूसरे को हो सकता है वो तोड़ दें, एक ऊपर चले जाए, एक नीचे चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है वो क्रिएट कर दें, ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, जैसे कि ये अप, ठीक है, और एक ये डाउन, तो ये फोल्ड क्रिएट होता है बीच में, तो ये मूवमेंट होगी, चाहे किसी भी तरीके से मूवमेंट हो, एनर्जी तो रिलीज होगी, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे हो तो उसमें ब्लॉक की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो वो एनर्जी रिलीज होगी वो सारी डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे कि यहां से रिलीज हुई है तो पूरी सारी चारों तरफ डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। और जिस पॉइंट से निकलती है उसको क्या जाएगा, फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है, और जिस सरफेस पॉइंट पे निकलती है उसको एपिक सेंटर कहा जाता है, ये मेन जो इससे पॉइंट से ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर आपका, अर्थक्वेक की वेव्स जो जनरेट होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक जो है आपका, वो लिथोस्फेयर होता है ना, जो आपका लिथोस्फेयर हमने पढ़ा है, जो अभी जो अपर सरफेस लेयर होता है 200 किलोमीटर की डेप्थ जिसकी होती है, वो होता है वहां पर, जो मतलब 200 किलोमीटर की डेप्थ में वो ओरिजिन होता है उसका। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, जो इसकी वेव्स को मेजर करता है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ठीक है। अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स, तो मीनिंग ऑफ अर्थ क्या होता है? सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जो सडन मूवमेंट हो या वाइब्रेट करे अर्थ, तो उसको कहा जाएगा आपका अर्थक्वेक कहा जाएगा, ठीक है। या दूसरे शब्दों में अगर हम उसको कहेंगे, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि जो एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारी अर्थ के नीचे चलती है उनकी मूवमेंट की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे आपका? अर्थक्वेक कहेंगे। तो अर्थक्वेक जो है आपका, वो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से, जो मूवमेंट प्लेट्स मूवमेंट कर रही है अंदर उसकी वजह से हो सकता है, या आपका जो मैग्मा राइज करता है, यानी कि मैग्मा जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो वो फट के बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से आपकी अर्थक्वेक हो सकता है। फोल्ड और फोल्ट, ठीक है, फोल्ड और फोल्ट जो होता है कि, यानी कि आपके जो फोल्ड हमने पढ़े ना, कि भाई दो आपस में जो तो प्लेट्स टकराएं तो ऊपर की तरफ वो मूवमेंट वो फोल्ड हो जाए, फोल्ड वो एक दूसरे से दूसरी डायरेक्शन में, तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। और जो वोल्केनो इरप्शन जो बहुत वॉयलेंट तरीके से फटता है, तब भी आपकी इसकी मूवमेंट हो सकती है। जो और अर्थक्वेक जब होता है तो तीन टाइप की आपकी वेव्स का जो है प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होती है, वो है पी जो प्राइमरी वेव्स, एस सेकेंडरी वेव्स, और एल लॉन्ग और सरफेस वेव। और पी और एस वेव्स को जो है बॉडी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी की अंदर मूव करती है, इनकी मूवमेंट क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, और ये एल सरफेस वेव जो बाहर मूव करती है। तो
तो पी वेव जो है आपकी फास्टेस्ट वेव होती है, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। ये वेव जो है फोर्थ एंड बैक जो है मूव करके निकल जाती है जल्दी से, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होती है उसी की डायरेक्शन में ये मूव करते हुए निकल जाती है। ठीक है, ये आपकी सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव कर सकती है। एस वेव जो होती है फिर आपकी वो स्लो मूव करती है पी वेव के मुकाबले। पी क्या थोड़ी तेज मूव कर रही थी, लेकिन ये थोड़ी कम तेज मूव करेगी। इसको जो है ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, ये परपेंडिकुलर मूव करती है वेव की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि पी वेव तो जैसे कि ये मूव हो रही है तो उसी के डायरेक्शन में पी वेव मूव करती है, लेकिन एस वेव क्या होगा उसके परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि ये वेव मूव करिए तो उसके परपेंडिकुलर ये वेव आपको देखने को मिलेगी। ओके, आफ्टर दैट, और ये वेव जो है आपकी सिर्फ सॉलिड में मूव करेंगी, लिक्विड के अंदर ये डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, एल वेव जो है आपकी स्लोवेस्ट वेव्स होती हैं जो सरफेस पे आपकी मूव करती हैं, ये अर्थ सरफेस जो ऊपर अर्थ सरफेस होता है ना उसके ऊपर मूव करती हैं, और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो अर्थ सरफेस के ऊपर मचाती हैं, यानी कि जो तबाही करती हैं। ठीक है, पी वेव्स में बहुत कम तबाही होती है, एस वेव्स में उससे ज्यादा और एल वेव्स में उससे भी ज्यादा। ये हो गए आपकी वेव्स हो गई। नेक्स्ट आपका फोकस। फोकस अभी हमने देखा ना ये जो पॉइंट होता है अर्थ के इंटीरियर का, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहां से शुरू होता है अर्थक्वेक। ठीक है, ये अर्थ के अंदर छुपा हुआ पार्ट होता है, ये आपका 100 से 200 किलोमीटर डेप्थ, सरफेस से 100 से 200 किलोमीटर डेप्थ के नीचे ये पाया जाता है। एपिक सेंटर जो पॉइंट होता है फिर आपका, ये जो फोकस के जो सिस्मिक वेव जहां से जो वेव्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई, इन वेव्स के जो फोकस से बिल्कुल अपर सरफेस एरिया पे जो पॉइंट पाया जाएगा ना सिदाई में, वो सॉरी, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका एपिक सेंटर होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा तबाही जो है इस पॉइंट पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है आपका देखने को मिलता है। और पी और जो एस वेव्स होती हैं वो बॉडी वेव्स होती हैं, यानी कि वो इंटीरियर में मूव करेंगी। पी जो है आपकी बहुत सॉलिड और लिक्विड में मूव करती है, एस वेव जो आपकी सिर्फ सॉलिड के अंदर मूव करती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो होता है आपका वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिस्मिक वेव्स को एक पेपर के ऊपर मेजर किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना ये पी वेव्स, ये एक इस तरीके से पेपर के ऊपर ये पी वेव्स जो है उसका, देखिए आपके ऐसे पी हल्की रिकॉर्ड की गई है, एस वेव उससे ज्यादा और एल वेव और उससे ज्यादा, मतलब ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी एल वेव्स करती है। नेक्स्ट इसमें फिर आपका है रिएक्टर स्केल, यानी कि रिएक्टर स्केल जो एक स्केल होता है जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापता है कि भी कितने ज्यादा वो उसका तबाही का या उसकी मूवमेंट कितनी ज्यादा। ठीक है, अदर वर्ड्स में कहें कि जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जिस कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको मेजर करता है आपका ये रिएक्टर स्केल। तो जनरली आपका 0 से लेकर 10 तक तो जो है मेजर करता है। अर्थक्वेक जो है आपका 6 ऑन रिएक्टर स्केल पे जो मेजर किया जाएगा वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंग होता है, 5 5 से। ठीक है, जो 5 पे जो आपका रिकॉर्ड किया जाता है रिक्टर स्केल पे, जो 5 पॉइंट पे होगा, और 100 टाइम्स होगा जो आपका 4 पे रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि जो 6 पे रिकॉर्ड होने वाला है, जो 6 पॉइंट पे रिकॉर्ड होता है, यानी कि यहाँ पे इस पे 5.9 से आगे रहा 6 पॉइंट, तो ये आपका 5 से तो 20 गुना और 4 से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि तबाही उससे ज्यादा मचाया गया। क्रस्ट और अपर पार्ट होता है जो मेंटल का, उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्मा जिसके थ्रू निकल के बाहर आता है, जिस पॉइंट के थ्रू, जिस मेन पॉइंट से निकल कर आता है ना, जो लावा निकलता है जिस पॉइंट से, उसको माउथ या क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, और जब क्रेटर आपका कोलेप्स हो जाता है वोलेंट एक्सप्लोजन की वजह से, उसको काल्डेरा कहा जाएगा। ठीक है, मिड ओशियनिक रिज जो होती है आपकी, जब प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे से और वो अंडर पानी के अंदर मूव करती है, ठीक है, तो वहां पर मैग्मा राइज अप होता है। ठीक है, यानी कि जब प्लेट्स मूव करके एक दूसरे के ऊपर और जो वहां से जब मैग्मा निकलता है, तो वो वहां पर मैग्मा निकल के वो यहाँ पर जमता जाता है, और वो एक लंबी हिल लाइक लैंडफॉर्म डेवलप, हिल पहाड़ी जैसी जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है समुन्द्र के अंदर, उसको मिड ओशियनिक रिड्स कहा जाता है। ठीक है, और जो अटलांटिक ओशियन के अंदर आपकी जो रिड्स पाई जाती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप कभी मिड अटलांटिक ओशियन की रिड्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 एंड ओवर 10 तक आपका रिएक्टर स्केल हो गया। फिर आपका मरकरी स्केल है, ये जो आपका इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया था। सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो अर्थक्वेक को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, और सिस्मोलॉजिस्ट हो गया जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है। ठीक है, तो
तो ये जो मेजर है डिस्ट्रक्शन को, एक से लेकर 12 तक मेजर करता है, ठीक है? ये रहा आपका, एक से लेकर 12 तक ये इसके डिस्ट्रक्शन को मेजर करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो है अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि आपकी अब जो अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या होता है, शेक, अर्थ शेक कर जाती है, नॉर्मल सी बात है, शेक करना तो वही है। और शेक करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो जो स्टेबल लैंड होगी उसमें ऊपर नीचे टूट फूट देखने को मिलती है, हाउसेस और बिल्डिंग टूट जाती है। ये देखिए आप यहाँ पे बिल्डिंग्स और हाउसेस पूरी तरह से खत्म हो, चकना चूर हो जाती है। और लैंडस्लाइड्स और सुनामी, तो लैंडस्लाइड होना नॉर्मल बात है पहाड़ों पे, और सुनामी आना समुद्र के अंदर नॉर्मल सी चीजें हैं। सोलिड जो है आपका लिक्विड बन जाता है, सोलिड लिक्विफिकेशन हो जाता है, ठीक है? डैम्स और जो रिजर्वेयर्स हैं वो टूट जाते हैं, तबाह हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है कई जगह पे, ठीक है? जंगल में क्यों, कई बिल्डिंग्स वगैरह में भी लग जाती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइंस यानी कि रोड्स वगैरह, ठीक है, वो टूट जाएंगे, रेलवे वगैरह टूट जाएंगे, तो वो चीजें और कम्युनिकेशन लाइन वो तबाह हो जाती है। तो ये आपके कुछ अफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के। अब शेडो जोन्स और उनकी फॉर्मेशन, अब शेडो जोन क्या होती है बेसिकली, आपकी जब अर्थक्वेक ओकर होता है या ओरिजिन होता है उसका, तो सारी पूरे अर्थ के ऊपर उसकी वेव्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है? मतलब जहां पर सिस्मिक वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, पी और एस वेव्स जो होती हैं आपकी, वो जो अर्थ तक नहीं, सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं जिस पॉइंट तक, तो उनको कहा जाएगा आपका शेडो जोन। यानी कि जिन पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगी वो तो अलग है, लेकिन जहां पर नहीं पहुंच पाती हैं जिन पॉइंट्स पे, तो उनको कहा जाता है शेडो जोन, ठीक है? तो शेडो जोन जो है आपके दो रीजन से बनते हैं कि तीन लेयर होती है अर्थ के अंदर, और उनकी डेंसिटी, तीन लेयर अलग अलग है और उनकी डेंसिटी अलग अलग है हर एक लेयर की, ठीक है? और जो लिक्विड कंडीशन आपकी मेंटल में पाई जाती है, जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, उनकी स्टेट की वजह से जो उनमें मूव नहीं कर पाती है ये वेव्स, उसकी वजह से वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है? डेंसिटी की वजह से भी नहीं पहुंच पाती। तो पी वेव्स का जो शेडो जोन होगा, पी वेव्स का, कि ये आपकी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन जो डेंसिटी में वेराइटी पाई जाएंगी वो कर्व पाथ, यानी कि उसकी वजह से पी वेव्स क्या करेंगी, वो कर्व में मूव हो जाएंगी, जो डेंसिटी की वजह से, देखिए यहाँ से आई से भी, और फिर यहाँ पे डेंसिटी में वेरिएशन आ गई तो ये कर्व इसमें पड़ गया। तो इस कर्व की वजह से जो है आपकी, जहां पर रिकॉर्ड नहीं की जाती पी वेव्स, वो एरिया है 105 से 145 डिग्री, जो इसका पॉइंट है वहां से, जो देखिए 103 या 105 से 145 के अराउंड जो इसका एरिया है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है, पी वेव्स का शेडो जोन है यहाँ। एस वेव्स जो है इसका, जो पी वेव्स के मुकाबले इसका शेडो जोन बड़ा होता है, क्योंकि ये एस वेव्स लिक्विड के थ्रू पास नहीं करती है मेंटल के, ठीक है? ये लिक्विड के थ्रू पास नहीं करती है, देयरफॉर जो जोन है वो 105 से फ्रॉम ऑल अराउंड द अर्थ फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड एज एस वेव्स शेडो जोन। तो 100, यहाँ से 103 से 105 तक, और 103 105 से लेकर जो आगे का पॉइंट होगा वो सारा आपका एस वेव्स का शेडो जोन माना जाएगा, ओके? क्योंकि हमने देखा था ना कि आपकी एस वेव्स जो है आपके लिक्विड के अंदर ट्रेवल नहीं करती, वो खाली सोलिड के अंदर ट्रेवल कर पाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट अर्थक्वेक, एंड बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फिर। थैंक यू सो मच।